एसएससीएन न्यूज। आइए बात करते हैं भाजपा नेता रमेश हांसदा द्वारा हेमंत सरकार पर हमला बोले जाने की। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने बालू उठाओ एवं करसरों की बंदी से बेरोजगार हुए ट्रैक्टर 407 ऑनर्स व मजदूरों की आवाज बुलंद की है। उन्होंने सरकार से राज्य में बालू व पत्थर खनन के नियम की मांग करते हुए ऐसा नहीं कर पाने पर सत्ता छोड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ये मजदूर अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि बालू का उठाव व क्रशर बंद होने से कोल्हान में करीब 1,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। ट्रैक्टर 407 वाहन चालक व मजदूर सप्लायर यूनियन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमेश हांसदा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्थानीय विधायक शाह मंत्री चंपे शौरन पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल सरायकेला जिले में 500 से अधिक ट्रैक्टर व 407 वाहन मालिक है, सभी पर 6-6 मजदूर कार्य करते हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हैं। सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस दौरान यूनियन के मनोज तिवारी, बीसू महतो, पवन कुमार महतो, गणेश दास, रवि गोप, मनोज कुमार महतो आदि भी उपस्थित थे। रमेश हांसदा ने कहा कि करोड़ों रुपए के सरकारी काम भी बालू, गिट्टी व ईंट के अभाव में शुरू नहीं हो पा रहे हैं। रमेश हांसदा ने कहा कि 2.5 वर्षों में भी बालू उठाव को रेगुलराइज नहीं कर पाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार पर बालू का अवैध उठाव कराने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अब कोर्ट के सख्त होने पर सरकार ट्रैक्टर व 407 वालों पर सख्ती बरत रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों से बेरोजगार मजदूर अब और चुप नहीं बैठेंगे, वे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। ढाई साल हो गए हेमंत सोरेन सरकार को, अभी तक बालू को रेगुलराइज नहीं किया। ये बालू का स्मगलिंग करवाया हेमंत सोरेन ने। आज ईडी का छापा पड़ के जब पूजा सिंगल जेल जा रही गई तो आज ताबड़तोड़ चारों तरफ छापा मार करके अपना इज्जत ढक रहा। हम लोग का ये मांग है स्पष्ट कि बालू को अविलंब रेगुलराइज करें। आज लाखों मजदूर आज खाने को तरस रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है। बालू जैसा छोटा सा मामला कभी नहीं कर सकता तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे। अब बालू मजदूर ट्रैक्टर का मालिक सभी लोग आप सड़क पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के लिए शर्म डूब मरने की बात हो गई है कि अपना राज्य में इतना बालू होने के बाद में दूसरे राज्य से भीख मांगेगा हम लोग। आप ये इसी राज्य में कोई व्यवस्था बनाइए, आप कहीं भी गुहार लगाइए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो करना कीजिए, लेकिन बालू यहाँ के लोगों को चाहिए, नहीं तो सड़क पर उतरेगा और सड़क में हंडी में खाना बनाएगा। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।